Let's go. नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र ढोले। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से, काफ़ी समय से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया हूँ और मैंने बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि मैं लोअर बॉडी का एक वीडियो पोस्ट करूँगा। आज मेरे साथ है नर्मदा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। जब मैंने आपसे कहा कि किसी भी लेग कर्ल मूवमेंट में आपके टोज अपने तरफ पॉइंट आउट होने चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि आपको अपने टोज को प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन में रखना है। मैं ज़्यादा वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग इसलिए नहीं करता ताकि जो मेरे जितने भी ऑडियंस है वो इस सिंपल सरल भाषा को समझ पाए। तो जब मैं कहूँ टोज अपनी तरफ पॉइंट आउट करना है, उसका वैज्ञानिक मतलब होता है कि आपको प्लांटर फ्लेक्स करना है टोज को। नर्मदा, वन टू थ्री, परफेक्ट, फोर फाइव सिक्स सेवन, ऑल द वे अप, एट नाइन, बस स्विच। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप हैमस्ट्रिंग कर्ल करो किसी भी मशीन पे, तो उसको अपनी तरफ खींचना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको डॉर्सी फ्लेक्स करना है। मैं वैज्ञानिक भाषा का ज़्यादा उपयोग करता नहीं हूँ क्योंकि जितने भी हम मेरे ऑडियंसेज हैं, फिर जो लोग शायद मेरा वीडियो देखते हैं, उनको सीधी सरल भाषा समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं सिंपल हिंदी का उपयोग करता हूँ और जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो हम लोग समझ सके उसका उपयोग करता हूँ। चलो शुरू करें नर्मदा, लेट्स गो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, बस। और नर्मदा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ग्रास हॉपर आके बैठा हुआ है जो उसे नहीं दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, दूसरा बार चलो शुरू करो। Let's go. Ready? वेट की प्लेसमेंट आइडियली होगी पेल्विक बोन और बेली बटन के बीचों बीच। ओके, नाउ नर्मदा लिफ्ट, लेट्स गो। आई वॉन्ट 8 to 10 रेप्स, लेट्स गो एंड पुश। 1 2 3, कम ऑन, 4, कम ऑन, 5, कम ऑन, 6, कम ऑन, 7, 8, आई वॉन्ट लास्ट 2, 9, लास्ट 1, सक्सेस। हम लोग शुरू कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग, हम लोग शुरू करेंगे सीटेड लेग कर्ल से। याद रखिए, जब आप सीटेड लेग कर्ल करते हो, किसी भी तरह का लेग कर्ल करते हो, अपना जो टोज है उसे अपनी तरफ पॉइंट कीजिए, ठीक है, अपनी तरफ। ओके, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, keep curling, 10 11 12 13 14, bus, success.